मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ हरिद्वार जाने के लिए। मैं, पापा और शिवम घर में रहेगा, क्योंकि पिछले बार गया तो बहुत तबीयत ज़्यादा बहुत ख़राब हो गया था। इस कारण से इस बार हम लोगों ने उसको छोड़ दिया है, क्योंकि उसकी मम्मी भी आ रही हैं, तो उसकी मम्मी उसको देख रेख करेंगी। और हम और पापा जा रहे हैं हरिद्वार कुंभ नहाने के लिए। तो बैग पैक चल रहा है और आज निकलना है। इसके पहले हम लोग कोविड टेस्ट हुआ था, उसका वीडियो आया है, अगर आपने नहीं देखा था क्या हुआ आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की यात्रा का प्रारंभ होने वाला है। ये अभी हम लोग का बैग पैक हो गया है, और इसमें एक बैग में कपड़े उपड़े हैं और बिस्तर है, जो मतलब छोटा सा एक बेडशीट और चादर, और एक में है आपका खाना पीना डाल दिए हैं, मतलब ऐसा चीज़ जो कि पापा को परेशानी ना हो। पापा को सत्तू वत्तू डालने में परेशानी हो जा रहा था, क्योंकि खाना बाहर का वो खा नहीं सकते, इसलिए सत्तू हम लोगों ने पहले से ले लिया है, और थोड़ा मूढ़ी चार बिस्किट ये सारा चीज़ पहले से ले लिया, ताकि रास्ते में ट्रेन में कहीं भी परेशानी ना हो। तो चलिए अब आगे मिलते हैं। हम लोग जा रहे हैं आपका हरिद्वार, तो हम लोग का गाड़ी बाहर आ चुका है, अब चलिए गाड़ी में मिलते हैं। सभी को टाटा करने में बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि फैमिली से जब हम दूर जाते हैं ना, दो चार दिन के लिए भी जाएं, तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हम उनसे बहुत दिन से मिल नहीं पाते हैं। और फैमिली अगर सामने रहे, कुछ भी करते रहे, कैसा भी बैठा हो, बैठ खेलते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। लेकिन अगर हम कुछ दिन के लिए दूर जाएं, 10 दिन 12 दिन के लिए, तो वो हमें तकलीफ़ दे देता है। तो वैसे ही हमें बहुत बुरा लग रहा था, और ख़ास करके शिवम का बहुत याद आ रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि अगर कोई रास्ता होता और वहाँ पर ले जा सकते तो उसको लेकर जाते तो और अच्छा होता, क्योंकि जो बच्चा है वो रहता है ना, तो थोड़ा इधर दौड़ा थोड़ा उधर दौड़ा, तो हमें अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। जैसे पिछले बार हम लोग वाराणसी में गए थे, और वो वहाँ पर इतना दौड़ रहा था इधर से उधर, थोड़ा परेशानी हो रहा था मुझे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब उधर से रिटर्न आए और उसका तबीयत ख़राब हो गया, मेरा ख़राब हो गया था, पापा का, सभी को सेम इंजेक्शन, सर्दी खांसी, उसको तो बुखार भी आ गया था, क्योंकि उसको वो जो वैक्सीन का टीका लगता है, टीका वाला, वो टीका लगा था, इस कारण से उसको बुखार भी आ गया था, और बड़ा दिन तक परेशान रहा। उसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि जब मैं उसको बनारस लेकर गया था, तो मैंने उसको ठंडे पानी से लगातार नहला दिया था, मतलब लगभग 3-4 दिन मैंने लगवा दिया था, जहाँ तक आशा है। फिर जब मैं अयोध्या गया, तब से मैंने उसको देखा, केयर किया, मैंने बोला ना ऐसे करने में तो बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो बचपन से ही गर्म पानी से नहाता है, मतलब जब छोटा था तब से, गर्मी का टाइम हो तो भी, ठंडा का टाइम हो तो भी, उसको गर्म पानी में ही नहाना है। तो इस कारण से वो थोड़ा परेशानी हो गया था। फिर जब मैंने अयोध्या में उसको नहलवाया, तो थोड़ा सा माहौल था, ठीक हुआ। फिर कोलकाता जब आए, तो तबीयत ख़राब हो गया, एक डॉक्टर का दवाई खिलाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हम लोग का फैमिली डॉक्टर है, उनसे जब दिखाए, तो वो बोले कि भाई ये काम करो, तुम उसको ना गर्म पानी से नहाओ, हर बार गर्म पानी से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी आ गया है सासाराम, मैं सुबह फ्रेश हो गया और अब जा रहा हूँ थोड़ा सा दवाई वाई खाने के लिए, और खाना खा लेता हूँ थोड़ा सा। नहलाए और उसका दवाई खिलाए, तो वो थोड़ा माहौल उसका ठीक हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक करने लगा, और नहीं तो इतना परेशानी हो रहा था कि मैं ही समझ रहा हूँ कि क्या परेशानी हुआ था हमें। तो इसलिए बच्चे को इस बार मैं लेकर नहीं आया। बारिश हो रहा है, आप शायद देख पा रहे होंगे बाहर में बारिश हो रहा है।
एक अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक पानी का बॉटल लिया था जिसका कीमत था 15 रुपीस, और उसको ख़रीदने के बाद हम लोगों ने उनको 100 रुपीस दिया और वो बोले हैं कि मैं वापस आकर देता हूँ। अब IRCTC का टैग वैग लगा के रखे थे तो हम तो सोचे हैं कि यहीं के हैं, अब देखते हैं उनके अंदर में ईमानदारी कितनी है। वो लोकर लेकर गए हैं और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शायद वो लेकर चले गए, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है, कितनी ईमानदारी लोगों में बची हुई है अभी पता चल जाएगा, क्योंकि अभी रात तक हैं हम लोग और उनका गए हुए लगता है 15 से 20 मिनट हो गया। उनके बाकी साथी वापस भी आ गए, चले भी गए, लेकिन उनको देख नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कोई स्टेशन पर उतर गए कि क्या हुआ, पता नहीं। वो भैया लास्ट में मैं देख रहा हूँ कि अभी तक वो आए नहीं, लगता है वो अब आएंगे भी नहीं। और लाइफ का सबसे कीमती पानी का बॉटल मैंने अभी पिया, 15 रुपये में ख़रीदा था, और लेकिन पैसा नहीं रिटर्न होने के कारण वो समझ लिए एक बोतल का दाम 50 रुपये हो गया। तो चलिए अच्छा है, ये थोड़ा भरोसा टूटता है तो आदमी संभल भी जाता है। पहले एक था कि हम बहुत दिन पहले का बात बता रहा हूँ मैं, एक साधु जी आए और मैंने मुझसे वो कुछ मांगे कि भाई कुछ दे दो, मैंने उनको 10 रुपये निकाल कर दिया। तो फिर वो क्या करने लगे कि बोल रहे हैं मैं मंत्र मार दे रहा हूँ तुम्हारा बटुए में और पैसा रहेगा। वो क्या किए, बटुए में हाथ डाले और डाल कर जो भी पैसे थे निकाल लिए। मैंने उनसे वो लिया, बोला चलिए निकलिए, और उस दिन से मैं फिर किसी को देना बंद कर दिया, क्योंकि ये लोग बदमाशी करते रहते हैं, ट्रेन वगैरह में जो भी आते हैं वो सब बदमाशी करने वाले। मैं नहीं देता, देखता हूँ कि जो ज़रूरतमंद है, कभी वैसा देखने में लगा मुझे तब फिर दिया, नहीं तो नहीं दिया। मेरा ये चीज़ उनके चक्कर में हो गया। एक बार एक किन्नर आए, सेम वैसे ही कर रहे थे। मैंने उनको बोला दोबारा मैं अब आते हैं तो मैं देता ही नहीं उनको, क्योंकि ना मैं उनकी तरफ से सीधा नमस्ते करता हूँ कि भैया मुझे नहीं है मेरे पास। तो ये चीज़ एक बार धोखा खाने के बाद आपको संभलने का मौका मिलता है और आप फिर संभलते जाते हैं, और क्या है। और शिवम को जो लाने का बात था, अगर ले आते तो हम लोग का अच्छा टाइम पास हो जाता है, क्योंकि अगर हम सुबह में उठते हैं, सुबह में उठे तो अब पहले उसको पॉटी करवाना है, नहलाना है, तेल लगाना है, दवाई खिलाना है, ये सारा करते करते कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाता है, क्योंकि उसमें उसका नाटक भी रहता है, ड्रामा करते रहता है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और प्यार से बोलने से कर लेता है। तो वो सारा चीज़ देखते हुए अब फिर अगर कहीं घुमाना है तो अब उसको पैक करो, उसको हैगिस पहनाओ, ये करो वो करो, क्योंकि अगर आप आश्रम वगैरह में आते हैं ना, तो वहाँ पर अगर अब उसको बिना हगिस का रखेंगे तो परेशानी है, और हगिस का नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाता है। सुसु पॉटी कर दिया तो साफ करो। उन्होंने पार किया मिर्जापुर, भैया जी का गांव याद है, मिर्जापुर टू। जब भी दूर सफ़र करते हैं ना, दूर का सफ़र के लिए बेस्ट होता है आपका मोबाइल साथी, क्योंकि अगर आप अकेले हो तो प्रॉब्लम हो जाता है, ना बात किसी से कर सकते हैं ना और कुछ। तो दूर में सफ़र के लिए वो होता है, लेकिन अपने पास ये प्रॉब्लम था कि जब भी दूर में आप जाते हैं ना तो इंटरनेट तो काम करता ही नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन किसी तरह से ये अपना कट गया दूरी और हम लोग दिल्ली उतर गए, और दिल्ली उतरने के बाद हम लोग किसी तरह से बड़ा मुश्किल से हम लोग होटल पहुंचे। अभी हम लोग आ गए हैं रूम पर, और एक गड़बड़ ये हो गया कि हम लोग को रुकना था ISBT के पास में, लेकिन कभी भी रूम वालों ने कभी सही सही बोला है क्या, वो दिखा रहे थे कि ISBT के एकदम पास में, मैंने ISBT ही मारा था, लेकिन ये रूम मुझे मिला है न्यू दिल्ली के पास में, मतलब लगभग 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर।
क्योंकि ISBT के पास में ये था कि शिवम की मम्मी आ रही हैं, तो हम लोग सोचे कि अगर यहाँ पर रुकी रहे हैं, क्योंकि कल हम लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली में घूमना है थोड़ा, तो इसलिए हम लोग सोचे यहीं पर रुक जाते हैं, तो थोड़ा सा शिवम की मम्मी से भी मिलना हो जाएगा और सुबह सुबह मिलना हो जाएगा उससे। तो हम लोग सोचे थे कि ISBT के पास में अगर रुकेंगे तो ठीक होगा, लेकिन होटल वालों ने गड़बड़ किया कि न्यू दिल्ली के आसपास में होटल को लेकर आ गया, सबसे पहले ये। दूसरा ये गड़बड़ हुआ कि हम लोगों ने उबर ऑटो के लिए हम लोगों ने बुक किया था, क्योंकि क्यों पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना, लेकिन उबर में ऑटो वाले ने मिला नहीं, और बड़ा देर इंतज़ार करने के बाद वो कैंसिल होकर फिर से, मतलब फोर व्हीलर से ज़्यादा ऑटो वाले का चार्ज हो गया। ऑटो वाले का दिखा रहा था 120 और फोर व्हीलर का 104। हम बोले तो फिर तुझ भाई वो धीरे धीरे वाले में क्यों आए, फिर जल्दी वाला में आना है, तो इसलिए फिर मैंने उसको कैंसिल किया, फिर दूसरे वाले को कंफर्म किया। वो भैया खोजते खोजते लेकर आए। होटल भी ख़तरनाक जगह पर है, मतलब अगर नॉर्मल आदमी आए तो उसको मिलना ही मुश्किल है। इसका किराया मतलब रूम रेंट बहुत कम है, तो रूम के हिसाब से चार्ज कम ही है, ठीक ही है, क्योंकि मुझे डिस्काउंट देकर 255 या कुछ 300 के आसपास में रूम का बताया, लेकिन रूम में इतना बड़ा है कि आप खो जाइएगा। आपको दिखाते हैं, रूम भी दिखा देते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये ख़त्म हो गया। मतलब एक हम लोग का घर का, मेरे घर का खास करके जो बाथरूम का साइज है ना, वो इस रूम का साइज है, तो मतलब बहुत ही छोटा है, और इसमें हम लोग सोएंगे कैसे, क्योंकि मेन पापा बोल रहे थे कि स्टेशन पर रुक जाते हैं, वेटिंग हॉल रहता ही है, रुकेंगे और फिर हम लोग सुबह में नहा धोकर वहीं से घूमने चले जाएंगे। लेकिन मैंने डर से कि रात को बैग से पर्स निकाल दिया, मोबाइल निकाल लिया, इसके डर से ये होटल में आया, पैसा लगा लेकिन मज़ा नहीं आया, क्योंकि रूम का रेंट उस वक्त दिखा रहे थे 500-600 रुपये। हम लोगों ने सोचा ठीक ही ठाक होगा रूम, वो डिस्काउंट देकर दिखाया मेक माई ट्रिप में, और डिस्काउंट बड़ा भारी पड़ गया, ये रूम ही छोटा हो गया। तो कोई बात नहीं, अब किसी तरह से रात को गुजारना है, तो इस कारण से यहाँ पर आ गए। तो आज का मतलब बहुत बुरा हालत रहा। दूसरा, यहाँ पर 10 बजे के बाद लॉकडाउन चल रहा है, तो सारी दुकानें बंद हैं। तो लास्ट में मैंने, उधर देखिए, केला है और ब्रेड और एक डीम का भुर्जी, ये बनाकर लाए हैं। पापा सत्तू खाएंगे, और सारी दुकानें चारों तरफ बंद हैं, सिर्फ एक चाय का स्टॉल लगा हुआ था, वहीं से ये सारे चीज़ लाए हैं। पापा का खाना पहले से कोलकाता से ही लेकर आ रहे थे, ताकि उनको वहाँ पर जाकर खोजना ना पड़े, क्योंकि अयोध्या वाले ट्रिप में आपको पता ही था कि अयोध्या जब हम लोग गए थे तो पापा के लिए बिना लहसुन प्याज का खाना खोजते खोजते बड़ा परेशान हो गया, लेकिन मिलता नहीं था कहीं पर। मुझे लगता था जो भी होटल वाले हो झूठ बोल कर खिलाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों का प्याज लहसुन मिलता ही है, तो वो बड़ा भारी पड़ जाता है। तो इसलिए हम लोग पहले से ही वहाँ से, कोलकाता से, चने का सत्तू जो होता है, जो लोग बिहारी यूपी बिहार के होंगे वो समझ रहे होंगे, और आजकल कोलकाता में भी सभी लोग बंगाली भी सत्तू पीते हैं, तो वो सत्तू मैं लेकर आया। अब पापा को सुबह शाम सत्तू पीने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पी लेते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। आज के लिए यहीं तक, अब नेक्स्ट का कल क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। टाटा बाय, गुड नाइट।